हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत इस वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं अपने जीवन के उसी परम राह पर, भिजवानों को बचाते हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसे में आप नजर जमाए रखिएगा, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों बात यह है, मौसम बदल चुका है कि ठंडक का महीना आपके सामने आ चुका है। तो ठंडक के महीने में दोस्तों सांप जो होते हैं वो भोजन करके एक अपने आशियाने में कहीं ना कहीं बिलहोल में जाकर के छिप जाते हैं, और ऐसे में मुझे पहुंचना पड़ता है। कभी कभी इंसानों की नज़रें पड़ती हैं तो कोई ना कोई मार देते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये भी भिजवानों को बचाने के ही शौकीन हैं। इन्होंने मुझको याद किए तो निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, तो दोस्तों ये लोग, आप लोग बताइए कहाँ से हैं, गांव का नाम बताइए। जिसने मुझे फोन किया वो यहाँ जाए। ग्राम कोटा पोस्ट गांव बाजार जिला जौनपुर तहसील मणियाँ। अच्छा, यहाँ से जौनपुर सिटी कितनी दूर है? यहाँ से करीब 30 किलोमीटर। लगभग दोस्तों यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है जौनपुर सिटी की, और ये गाँव है बिलवा गौरा। तो दोस्तों ये काफी पुराना है और इसके अंदर जानवरों का चारा रखा हुआ था। तो इसमें ये होता है दोस्तों कि जहाँ पर जानवरों का चारा रहता है वहीं पर इंसानों के लिए भी अनाज रहता है दोस्तों। तो जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पे अनाज होता है, और अनाज को खाने के लिए दोस्तों हमारे घर में चूहा आता है। और ये सांप दोस्तों, चूहा को ही खाने के लिए सांप अक्सर हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस सारे सामान को हटाया जा रहा था। खतरा हमेशा जीवन के साथ बना है, किसी भी काम को कीजिए तो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मन मिजाज के साथ। दोस्तों जब से जीवन मिला है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है, तो एक एक पल जो हम उससे बच के निकल रहे हैं या उसको निकाल रहे हैं तो वही हमारी ज़िंदगी है। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को देख के आप काफ़ी नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों ये लकड़ी रखी हुई आराम आराम से धूल न उड़े। हाँ क्या दोस्तों, सांप एक ऐसी बेजवान प्राणी है, इसमें जो है दोस्तों ये छोटी से छोटी जगहों में जाकर के छिप जाते हैं। दोस्तों इसे देख के आप समझ सकते हैं, ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है जो बहुत ही खतरनाक है। इसको दोस्तों हमारे यहाँ इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी दिन से ये रखा हुआ था, कितने दिन था सर? ये सर काफी कई सालों से है सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यहाँ नहीं रहते थे क्या आप लोग? नहीं नहीं, यहाँ पे रहता नहीं कोई सर। अच्छा अच्छा, ठीक। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत दिन से ही रहता था। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं, ये बिग साइज का दोस्तों, इसी को इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। दोस्तों हम जब भी इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कभी भी ये किसी के साथ हादसा कर सकता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों गुस्से में, दोस्तों हम जब भी इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कभी भी ये किसी के साथ हादसा कर सकता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों गुस्से में, दोस्तों हमेशा ये खुद के बचाव, दोस्तों हमेशा ये खुद के बचाव के लिए ही फन को निकालता है और फन को मारता है। दोस्तों होता ये है दोस्तों, इसके साथ हम जब भी कोई परेशानी देते हैं इसको या नुकसान पहुंचाते हैं तभी जाकर के किसी को भी हादसा ये करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। इसका एक नाम है दोस्तों जिसे पलटू के नाम से भी हम कहते हैं। अरे उधर का आपके आपका भैया आ रहा है। इसे आप देख सकते हैं, थोड़ा शांत रहेंगे उसको। हाँ सर, थोड़ा शांत रहेंगे, बताना कुछ नहीं, आप सिर्फ देखना है। था यही था और भी है। दोस्तों इनके कहने का भाव ये है कि यहाँ पर दो सांप और भी हैं, हम उसको भी ढूंढते हैं, एक साथ सबको निकालते हैं। चलिए ये है दोस्तों, इसे भी आप देख सकते हैं, नर और मादा दोस्तों। चलिए एक बार हम इसे भी टच करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, एक बार हम इसे भी टच करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, ये है दोस्तों, भी आप देख के समझ सकते हैं। दोस्तों क्या आप ऐसा मंदिर कभी देखे होंगे तो हमको बताइएगा। दोस्तों इसे भी आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे हम इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और इसको निकालते हैं, आपको भी दिखा लगे, आपको भी दिखा लगे।
इसे दोस्तों हम पैक भी करते हैं। ये जो इनकी केचुले हैं इसको देख के आप समझ सकते हैं ये काफी दिन से यहाँ पर रहते थे। दोस्तों दया नाम की चीज मालिक ने इंसानों में दे रखा है इसलिए इनको मारना नहीं है इनको बचाना है। चलिए इसे यहाँ से हम उठाते हैं। नहीं जाएगा नहीं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो को देख के आप भी इन बेजवानों को बचाने में हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। इन्हें मारा ना जाए इनको बचाया जाए। दया नाम की चीज मालिक ने रखा है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम पैक करते हैं। दोस्तों बहुत सारा रेस्क्यू है इस समय सांपों का निकलना थोड़ा सा मौसम भी बदल चुका है तो सांप ज्यादा ही निकल रहे हैं। थोड़ा दूरी बना के रख सकते हैं। दूरी बनाइए काटी लेगा तो ऐसा थोड़ी है कि फिर आप बचेंगे। ये चीज है दूरी अपने हिसाब से बचाना चाहिए। खुद की सेफ्टी आप कीजिए हम खुद करेंगे। और वो एक है भाई ना आज निकला यार जंगल अरे भैया देखो। दोस्तों लगभग बहुत सारे सांप निकल रहे हैं इस समय ठंडक मौसम होने की वजह से। तो इस समय इसमें दोस्तों 4 से 5 सांप हो गए हैं। चलिए मैं सबको एक साथ रिलीज करता हूं जंगल में और आपको भी दिखाता हूं। दोस्तों ये 15 kg का डिब्बा है इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है और एक साथ 5 सांपों को रिलीज करते हैं और आपको दिखाते हैं। इन सब बातों के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं किसी वीडियो में बेजवानों को बचाते बचाते और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों अगर ये मेरा काम अच्छा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं मुरली वाले हौसला इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप सभी को फिर से बाय धन्यवाद। ए भैया तीर चला ना तू ये निकल ना अच्छा नहीं कर रहे हैं आपके कई बार कॉल करें इस टाइम ही करें अच्छा यही सब नहीं ये हाँ ये रह रहा है कलर रह रहा है भैया भाई साहब आपके कई बार कॉल करें नहीं सुना ले ले मैं